अभी तक आप लोगों को चार्जिंग बाय फ्रिक्शन समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शन से यानी कि दो बॉडी को रब करने से अभी कोई भी दो बॉडी चार्ज कैसे हो जाता है। आई थिंक ये बात अभी हमें समझ आ गई होगी। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। एक अगला टॉपिक अभी कुछ ऐसा है कि क्या ये जरूरी है क्या कि कोई भी अगर एक बॉडी को चार्ज करना हो तो उसे रब करना पड़ेगा, यानी कि बिना घी से यानी कि बिना रब किए क्या हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, क्या बिना बॉडी को घी से बिना भी चार्ज किया जा सकता है। अब एक ऐसा क्वेश्चन शायद से डेवलप हो सकता है। तो इसका आंसर है यस, कि एक बॉडी को बिना रब किए यानी कि घी से बिना भी हम उसे चार्ज कर सकते हैं। तो फिर कैसे? तो उस प्रोसेस का नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन बहुत ही एक ये छोटा सा मैकेनिज्म है, ये आपको समझ में आ जाएगा। इंडक्शन में से क्या होगा कि हम एक बॉडी को बिना कोई दूसरे बॉडी से टच किए बिना हम उसे चार्ज करेंगे। एक बॉडी को हमें चार्ज करना है विदाउट टचिंग इट टू एनी अदर बॉडी। तो देखिए कैसे। मान लीजिए कि अगर एक ये भाई मेटालिक स्फीयर है जिसको कि अब एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा गया है, इंसुलेटिंग स्टैंड इसको अभी हमें चार्ज करना है। तो अभी हम इसे चार्ज कैसे करेंगे? तो हम अभी इसके पास में एक दूसरा चार्ज किया हुआ बॉडी लाते हैं। मान लीजिए कि अगर हमें इसे नेगेटिव चार्ज करना है, मान लेते हैं, तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम इसके नज़दीक में एक ये दूसरा चार्ज किया हुआ बॉडी लाएंगे। अब हम इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज किया हुआ एक बॉडी लाएंगे। याद रहे, हमें केवल इसके पास लाना है, हमें इसको टच नहीं करना है। तो अभी क्या होगा, इसको इस बॉडी को इसके पास लाने पर इस बॉडी में पहले पहले क्या था कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट थे। ये बॉडी में चार्ज नहीं था ऐसा नहीं है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पहले से प्रेजेंट थे। तो क्या होगा कि अब इस पॉजिटिव बॉडी इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को यहाँ पर लाने से इस बॉडी का जो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो अब इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इसके साथ में बंधा हुआ रहेगा, और इसका उल्टा पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो दूसरे साइड में आ जाएगा। गॉट इट? नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज अब इसके साथ में अभी मीन्स एक टाइप का फोर्स लगता रहेगा तो वो इसके साथ में बंधा हुआ होगा, और पॉजिटिव और ये प्लस चार्ज मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज अब ये थोड़ा अब ये इसके दूसरे साइड में आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि इस बॉडी को यहाँ पर रखते हुए हमें इसको यहाँ से अर्थिंग कर देना है। अर्थिंग करने का मतलब होता है कि इसको अर्थ के साथ में कनेक्ट कर देना, ये सिंबल होगा अर्थिंग का, इसको भी हमने अर्थ के साथ में जोड़ दिया। तो ये जो भी पॉजिटिव चार्ज जो होंगे सारे के सारे अब वो अर्थ में चले जाएंगे, लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो इसके साथ में जुड़े हुए हैं। सो अब ये यहाँ से मूव नहीं कर पाएंगे। फिर हमें क्या करना है कि इसको रखते हुए पहले हम अर्थिंग करेंगे तो सारा पॉजिटिव चार्ज अभी निकल जाएगा, फिर क्या बाकी रहेगा, ओनली नेगेटिव चार्ज। फिर हम क्या करेंगे कि दोबारा एक बार अर्थिंग को कनेक्ट करके फिर हम अर्थिंग को हटा देंगे, और फिर उसके बाद में क्या रह जाएगा, इस बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अब ये नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अब ये नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, और अभी हम इसको यहाँ से हटा देंगे। तो इस तरीके से हमारा बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन का एक ये दूसरा तरीका भी है। देखिए कैसे। मान लेते हैं कि अभी हमने एक की जगह पर
दो मेटालिक बॉडी लिया जिसको कि अभी हमने एक है इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ था, और ये दोनों एक दूसरे से अभी ये टच हो रहे थे। अब हमें इसको इन दोनों को चार्ज करना है बाय इंडक्शन से। तो हमने क्या किया, इनके नज़दीक एक ये चार्ज बॉडी लाया। मान लेते हैं कि जैसे कि अभी हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाया इनके नज़दीक में, तो क्या होगा, इन दोनों का नेगेटिव चार्ज इनके पास आ जाएगा, क्योंकि दोनों बॉडी टच किए हुए हैं। तो इन दोनों का नेगेटिव चार्ज इसमें आ जाएगा, और इन दोनों का पॉजिटिव चार्ज अभी ये इसमें आ जाएगा। ओके, फिर दोनों, क्योंकि दोनों बॉडी अभी टच हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों अट्रैक्ट होंगे, तो इन दोनों का नेगेटिव चार्ज इसमें